कपड़े में लगे चाइनीज लाइट के गली के अंदर से चलते चलते पहुंच गए हम लोग एक नए शादी शूट करने। फिर नीले समुंदर वाले लाइट के नीचे वेट करते करते बज गए 5 से 8 और 8 बजा तो मन में कहने लगे कुछ तो गड़बड़ है दया, चलो चल के अंदर देखते हैं। और यही बोलते बोलते नीले समुंदर वाले लाइट के नीचे से हम सीधा चले गए दूल्हे के पास। दूल्हे को लेके सीधा हम लोग निकल ही रहे थे तो उसी में देखा एक बुजुर्ग आदमी टोपी से अपने मुंह छुपाए झुंझुने वाले खिलौने खोल के उसको बड़े करके धम धम करके बजा रहा था और लाइट वाले छतरी लेके कुछ लोग चल रहे थे दूल्हे के पीछे आगे। हम पूछे उन लोगों से कि छतरी में लाइट का क्या काम है तो बताने लगे जब बारिश आएगा तो अंधेरे में कहीं बारिश भाग ना जाए इसलिए लाइट जला के रखे हैं कि बारिश आएगा तो सीधा हम लोग पकड़ लेंगे और दूल्हे के सर के ऊपर इस लाइट वाले छतरी को डाल देंगे ताकि दूल्हा सूखा सूखा अपने शादी में पहुंच पाए। कुछ देर चलते ही देखा सामने एक धर्मेंद्र जी के फैमिली से आए हुए एक भाई ने सीधा सनी बॉबी और धर्मेंद्र के स्टेप मिला के कुछ एक मिक्स स्टेप कर रहा था और यही देखते देखते हम कुछ फोटो उठाने लग गए। सोचा फोटो तो उठा ले और यही देखते देखते हम पहुंच गए उसी जगह जहां पे मैं हाफ पैंट पहन के क्रिकेट फुटबॉल खेला करता था यानी कि मेरा घर, मेरा पाड़ा, मेरा मोहल्ला। फोटोग्राफर को देख के कुछ लोग नाचने गाने में इतना मगन हो गए कि वो लोग भूल ही गए कि आज शादी में भी जाना है। इसीलिए उन लोगों को छोड़ के मैं सीधा आगे चलने लगा और देखने लगा पीछे से वो लोग आए कि नहीं। थोड़े आगे जाके देखा तो बच्चों की खुशी छीन के यानी कि पटाखों की बॉक्स लेके एक भाई नाच रहा और ऊपर देखा एक के ऊपर एक रॉकेट छोड़ने लगा लेकिन रॉकेट में बारूद ज़्यादा नहीं होने के कारण ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर देखा थोड़ी देर आगे कि सलमान खान का स्टेप किसी ने कॉपी करने की कोशिश कर रहा था बिना गाने के ये लोग चुनरी 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 कर रहा था। आगे देखा तो कुछ लोग बड़े बड़े गेरुआ ढोल लेके धम 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 बजा रहा था और पीछे वही सब लाइट वाले छतरी भैया भी खड़े थे। वो लोग बता रहे थे कि अभी तक तो कोई बारिश ही नहीं आया, हम लोग फालतू में इतना दूर तक छतरी व लाइट चला के लेके आए। हम बोले कोई बात नहीं भैया, बुरा मत मानिए, बारिश ना सही पर रास्ता दिखने के काम बहुत आया। कुछ देर आगे जाके देखा संदी मिलन के जगह यहाँ पे लिखा है मिलन बंद। फिर बाद में किसी ने बोला कि ठीक से पढ़ अंधे, वो मिलन बंद नहीं मिलन बैंड है। कुछ देर बाद नोटिस किया कि बड़े बड़े बॉक्स में बज रहे थे नागिन डांस और यही देख के एक सपूरा जो जंगल में बीन बजा रहा था उसने देखा नागिन डांस भी यही सब लोग डांस कर रहे तो उन्होंने सोचा बीन बजा के कोई फायदा नहीं सीधा आ जाते हैं शादी में और शादी में आके उन्होंने जोर जोर से बीन बजाने लगा। सामने आके देखा तो 4 घोड़े और एक छोटा हाथी बीच में एक अंकल जी लुंगी पहन के लुंगी डांस की वेट करते हुए बोल रहा था कि कब बजेगा ये लुंगी डांस और पीछे एक बाहुबली 2 हाथ से 2 घोड़े को लेके सीधा ऐसे खड़े थे जैसे कि अभी ये पारा सीधा जाएगा महेशमती के तरफ। आगे देखा कि एक बड़े से रथ LED लाइट से लाइटिंग किया हुआ उस रथ में चल रहे थे हमारे दूल्हे राजा और दूल्हे राजा को किसी को अपना फेस नहीं दिखाना था इसलिए रुमाल से अपना फेस चुपचाप से ढके हुए थे। बारात आगे जा नहीं रहा था इसलिए मैं सीधा बारात के पीछे से U-turn लेके और आगे सीधा सीधा चलते रहा। देखा अभी भी ये लोग सीधा बजा ही रहे थे और इसके बीच से एक भैया स्कूटी लेके बोला बारात को हम आगे ले जाएंगे। सीधा आए तो देखा एक भाई ने बोला बहुत हो गया नाचना गाना, अब सीधा अंदर चलते हैं। किसी ने बोला तुझे नाचना है तो नाचो नहीं तो मैं फिर से नाचूंगा, ये बोल के फिर से सभी ने नाचने लगे। अंदर आया तो काम स्टार्ट था, बीच शादी में कुछ शूट कर नहीं पाए इसीलिए हम सोचे कि सीधा खाना खाने नीचे चलते हैं और नीचे आया तो देखा पूरा मोहल्ला लुट चुका था। फिर मुश्किल से हम लोग ने जुगाड़ किया कुछ खाने का क्योंकि प्रीवियस डे के दोपहर के 4 बजे से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 4 बज चुके थे तो खाने का प्लेट था नहीं इसीलिए हम लोग पॉलीथीन के अंदर बिरयानी लेके सीधा ठूसने लगे। ऊपर आए तो शादी में फिर से हम लोग बैठ गए। दूल्हा दुल्हन और दुल्हन का मम्मी पापा एक लाल कपड़ा टाना टानी करके और उसके ऊपर लड़की का भाई पानी डाल के कर रहा था कन्या दान और फिर स्टार्ट हुआ फेरा। फेरे में लड़की के भाई दूल्हा दुल्हन के साथ साथ हम लोग भी घूमने लगे चारों तरफ और घूम घूम के उठाने लगे फोटो। सो अभी बज रहा है 8 और अभी हो रहा है विदाई। सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मुझे अभी विदाई से जाना है फिर लड़के के घर, मतलब उल्टा, और मेरा 10 बजे से आज शूट है और पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। मुझे मतलब ऐसे ही टेंशन ज़्यादा है क्योंकि 10 बजे मुझे और एक शूट में पहुँचना है जहाँ पे, क्योंकि इसका जो शादी था वो लगभग 6 बजे तक ख़त्म होने वाला था लेकिन अभी 8 बजे विदाई हो रहा है, उसके बाद फिर हमको जाना है लड़के के घर। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है कि रात को जैसे मैंने बताया कि खाना मतलब बहुत मुश्किल से मिला क्योंकि 4 बज गया था हम लोग खाना खाते खाते, वो भी कुछ नहीं था तो थोड़ा सा बिरयानी जो है वो कहीं पर रखा हुआ था और प्लेट भी नहीं था
तो हम लोग क्या किए, मैं अंदर जा रहा था तो एक जगह में एक प्लास्टिक का पॉलीथीन का पैकेट रखा हुआ था, नया पॉलीथीन, तो मैंने वो पॉलीथीन निकाला तो उसी में हम लोग सब जो है बिरयानी एक एक करके सब डाल दिए, और रात को वही खाना पड़ा क्योंकि उतना रात को, सुबह को 4 बजे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और हम लोग जो है लगभग यहाँ पे शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग सब इंटर कर चुके थे, और फिर उसके बाद से तो रात को हम लोगों को लगभग 2:30 बजे के आसपास हम लोगों को पानी पीने का मौका मिला। पता नहीं कब ख़त्म होगा, सो देखते हैं कब ख़त्म होता है, क्योंकि 10 बजे मुझे दूसरा वेडिंग में जाना है, पता नहीं क्या होगा। हम लोग जो है फिर से आ गए दूल्हे के घर में, जल्दी पहुँचे, अभी तो वो लोग नहीं आए, देखते कब वो लोग आता है, कितने बजे ये काम ख़त्म होता है, और मुझे नेक्स्ट काम में भी जाना है। यहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ था और फिर हम लोग यहीं पर आ गए। सो वो वाले वीडियो हम एंड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो वहाँ से सीधा हम इस वेडिंग में आ गए। सो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करके वो वाला वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, संग में रहिए।